Hey, what's up guys and welcome back to another video. और इस वीडियो में हम KK flight controller की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं. So let's begin. So पहले आपको KK flight controller के मेन्यू में जाके factory reset choose करना है. ये जो एकदम लास्ट में ऑप्शन होगा इसका, ये है factory reset. यहाँ पे मैंने पहले कर चुका हूँ, इसके लिए एंटर होके आपको factory reset कर देना है. फिर उसके बाद जो है आपको ऊपर जाके लोड मोटर लेआउट करना है. अगर आप फैक्ट्री रिसेट करते हो वहाँ पे तो मोटर लेआउट आ ही जाता है. तो इसे एंटर होके आपको जाना है क्वाडकॉप्टर एक्स मोड में. क्वाडकॉप्टर एक्स मोड एंटर करने के बाद आपको वापिस बैक लेना है. उसके बाद आपको जाना है ACC कैलिब्रेशन में. ACC कैलिब्रेशन में एंटर होके कैलिब्रेट कर देना है. कैलिब्रेशन होने के बाद आपको जाना है PI एडिटर में. सो PI एडिटर में एंटर होने के बाद ये सब वैल्यूज जो है आपको पुट करने हैं. ये 6500, ये सब जो वैल्यूज है रोल एलिरॉन में पुट करनी है. फिर पिच एलिवेटर वगैरह में जो फर्स्ट वैल्यूज उसमें होंगी वही वैल्यू को बस हमें सिलेक्ट करना है. उसके बाद अगर आप पीछे आ जाओगे तो यहाँ पे सेफ लिख के आ जाएगा. अभी हमको लेना है रिमोट. रिमोट का जो थ्रोटल मैक्सिमम करना है और KK फ्लाइट कंट्रोल का फर्स्ट और फोर्थ बटन पकड़ के तो हमें बैटरी अटैच कर देनी है. बैटरी अटैच होने के बाद जो है हमारा रिमोट KK फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाएगा. उसके बाद हमको रिमोट का जो थ्रोटल है वो मिनिमम ले लेना है. तो ये हो गया है. अभी हमें बैटरी वापस निकाल देनी है और उसके बाद वापस रिमोट को चालू करना है फ्लाई स्काई को. और अभी हम इसकी थ्रोटल टेस्ट करेंगे. सो अभी केके को चालू करके, ड्रोन को चालू करके थ्रोटल को, राइट थ्रोटल को जो है लेफ्ट साइड डाउन करना है. तो ये आम हो जाएगा और रेड लाइट लगेगी और जो है ये पंखे घूमना चालू हो जाएंगे. और ये ऊपर लेके अगर लेफ्ट साइड करोगे तो ये डिसआर्म हो जाएगा. सो ये थे ही वीडियो.